अभी हम आए हुए हैं लिहुआ मार्केट, जो कि वाइमा का एकदम सामने है, जो कि इस एरिया का सबसे पुराना मार्केट है। तो मैं सोचा अगर यहाँ आया हूँ अपना दोस्तों को ये मार्केट भी दिखा दूँ। फ्रेंड्स, अभी हम लिहुआ मार्केट का टिकट पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आपको मेन सीमेंट का गारमेंट मिलेंगे, एक रीजन में खाली आपका मेन्स का मिलेगा, वन का मिलेगा, ऐसे नहीं, यहाँ पे मिक्स है। वाइमा का एकदम सामने है, जो कि इस एरिया का सबसे पुराना मार्केट है। तो मैं सोचा अगर यहाँ आया हूँ अपना दोस्तों को ये मार्केट भी दिखा दूँ। लिहुआ मार्केट, बंजाओ लिहुआ इंटरनेशनल फैशन सेंटर, बहुत ही पुराना मार्केट है। तो चलिए अभी लिहुआ मार्केट की तरफ। फ्रेंड्स, अभी हम लिहुआ मार्केट का जिधर पहुँच चुके हैं, यहाँ पे आपको मेन्स वुमेन्स का मिक्स गारमेंट मिलेंगे। तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर आपका वाइमा का तरह रीजन नहीं है कि एक रीजन में खाली आपका मेंस का मिलेगा, वन वुमेन्स का मिलेगा, ऐसे नहीं, यहाँ पे मिक्स है। आप देखिए, और क्वालिटी भी उसी टाइप का है। थोड़ा सा मुझे तो सोसो लगा, उससे थोड़ा नीचे है। ये देखिए, यहाँ पे भी आपका ये लोग मेनली होलसेल का ही काम करते हैं। और आप अगर चाहो एक दो पीस अपना रिटेल के लिए, तो ये लोग एक दो पीस दे देते हैं, लेकिन दाम बढ़ा के लेते हैं। ये आपका ग्राउंड फ्लोर, मैं जो ग्राउंड फ्लोर बता रहा हूँ, एक्चुअली ये लोग का हिसाब से फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ पे ये लोग एक से शुरू करते हैं, ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट बताते हैं, उसका नीचे बेसमेंट, फर्स्ट फ्लोर को सेकंड फ्लोर बताते हैं, इस हिसाब से है। मैं तो फ्लोर देख के आपको बता दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोगों को भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। हाँ, ये आपका अभी हम लोग जैसे फर्स्ट फ्लोर में थे, अभी सेकंड फ्लोर चलते हैं। यहाँ जैकेट्स वगैरह जो बस, ये जो लिहुआ मार्केट है, यहाँ पे मैक्सिमम सब सेकंड फ्लोर में मैक्सिमम होलसेलर है। ये लोग रिटेल का काम ना के बराबर करते हैं, है ही नहीं। मैं तो दो जगह में देखा, ये लोग रिटेल में मुझे दे नहीं पाया। तो अभी मैं आपको एक ग्राउंड अब देखे नीचे चला जाता हूँ, नीचे की तरफ। अभी हम दिन हुआ का जो मार्केट में थे, वो अभी नया इनोग्रेट करके बनाया है, बहुत ही अपग्रेड टाइप का है। अभी हम दिन हुआ का जो ओल्ड कॉम्प्लेक्स है, ओल्ड मतलब उसी का साथ बना हुआ था, अभी ये भी पुराना मॉडल में ही है। यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे आप लोग को ग्राउंड अब दे देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे अभाया वगैरह भी मिल रहा है सामने। ये हमारा उलिउल भाई सुजाउद्दीन लेते हुए गार्मेंट्स, ये देखिए, ये आप उस तरफ अभी रिनोवेट करके बनाया है, न्यू कॉम्प्लेक्स उसे बोलता है, अभी न्यू है, आइए ओल्ड वाला है, थोड़ा पुराना टाइप का बना हुआ है। यहाँ पे रेट भी थोड़ा आपको ठीक ठाक मिलेंगे, ये देखिए 100 में 3, ये 100 में 4 ऐसा कुछ।
यहाँ पे क्वालिटी थोड़ा आपका बाइमा या शाही से थोड़ा थोड़ा सा नीचे का तरफ है, थोड़ा सोसो टाइप का है, लेकिन बिजनेस पर्सन के लिए आपको तो हर तरीके का चाहिए। और यहाँ पे भी बार्गेनिंग होता है, अगर आप होलसेल में लेते हैं आपका क्वांटिटी ऊपर वो डिपेंड कर, आपका कितना क्वांटिटी है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। या देखिए यहाँ भी सब होलसेलर ही है, आप रिटेल में एक दो पीस मांगो तो दे देते हैं, रेट थोड़ा बढ़ा के लेते हैं, लेकिन ये लोग का मेनली काम होलसेल का ही है। ये देखिए कार्गोस, ये थोड़ा पुराना टाइप का मार्केट है, बहुत पुराना बना हुआ है। आपको जैसे बताया था इस एरिया का ये सबसे पुराना मार्केट है, और यहाँ पे आपको नैरो स्ट्रीट वगैरह है, वहाँ पे सेंट्रल वगैरह लगाया हुआ है। लेकिन आपको बिजनेस पर्पस के लिए आते हैं तो सही है, और जो लोग टूरिज्म पर्पस के आके रिटेल में दो एक चीज लेना चाहे तो उसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप यहाँ आओ, आप उस तरह भी बाइमा से ही ले लो। वाइमा वहाँ पे आपको थोड़ा फॉरेन वाला फील भी मिलेगा, लुक मिलेगा। ये तो हम लोग का है, इंडिया में जैसे होलसेल मार्केट वगैरह होता है सेम एज लाइक है। हेलो नी हाउ, हाउ मच देखा मैनी हूँ। हाँ मैनी मैनी, ये आपका 17 RMB का है, आप होलसेल में लेते हैं। फोर कलर फोर साइज अच्छा है। हाँ वन पीस हाउ मच वन नो रिटेल रिटेल हाँ आप एक पीस ले, अगर रिटेल में लेते हैं तो 35 मतलब डबल। हाँ जो भी होलसेल का है उससे डबल। ओके ठीक है, फ्रेंड्स अभी हम लिवा मार्केट का सामने खड़े हैं। लिवा मार्केट का ठीक ऑपोजिट में है ये आपका फुली मार्केट, ये भी गारमेंट होलसेल मार्केट है। ये आपका लिवा मार्केट जो पुराना कॉम्प्लेक्स है, ये है आपका न्यू कॉम्प्लेक्स, ये भी पुराना था, इसे तोड़ के रिनोवेट करके यहाँ बनाया गया है। और ये आपका वो सामने बाइमा, उसका सामने वाइमा, ऐसे करके यहाँ पे पूरा गारमेंट एक्सेसरीज का दुकानें हैं, जैसे आपका हैंगर हो गया, आपका टैग्स, जो भी आपका गारमेंट्स रिलेटेड एक्सेसरीज वगैरह जो कि फिनिशिंग में मतलब शोरूम में लगाने के लिए, आपका कैरी बैग्स यूनिक टाइप का आप चाहे तो यहाँ बनवा सकते हैं। यहाँ बहुत सारे एकदम लाइन से दुकानें बने हुए हैं इधर से एकदम उधर तक। और सामने जो है यहाँ ये मार्केट में आपको हैंगर्स एंड मैनिक्विन्स वगैरह सब मिलेंगे। हाँ आप देख सकते हैं कुछ मैनिक्विन्स वगैरह रास्ते में भी लगाया हुआ भी है। तो ये एक टोटल बिजनेस जोन है, बिजनेस जोन में आपका पूरा चलेगा। तो फिलहाल अभी हम लिवा मार्केट से अपना ये जो ब्लॉग है ये खत्म करते हैं। ये शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट का यहाँ से अभी हम जाते हैं। ये ब्लॉग आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर कुछ जानना चाहें तो हमें लिख सकते हैं, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए लिवा मार्केट से बाय।